हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं। मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर जितने भी मेडिकल सोशल वर्क के एग्ज़ाम होते हैं उन सबको यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ, साथ ही साथ NTA UGC नेट सोशल वर्क की भी मैं तैयारी करवाता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की 10 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है एम्स में, जिसकी मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं। एक सिलेबस के आधार पे तैयारी जो चल रही है आप लोगों की, सिलेबस के आधार पे मैंने एक सिलेबस तैयार कर रखा है जिसको टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल रहा होगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल वर्क एम्स मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में कवर कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एम्स मेडिकल सोशल वर्क प्लस में अगर मैं बात करूं UGC नेट सोशल वर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो विगत एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न जो है रिपीट भी हुए हैं और आगामी परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूं 8506031308 पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंदी और अंग्रेज़ी में मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूं, सिलेबस के आधार पे आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। हर एक कंटेंट जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लेके आता हूं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं मेडिकल सोशल वर्क में उसको भी मैं आप लोगों से कम्प्लीट करवाऊँगा। इसकी फ़ीस एम्स मेडिकल सोशल वर्क की 3500 रुपये रखी गई है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। यदि UGC नेट सोशल वर्क की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं समाज कार्य में, तो आप लोग फीस जो UGC नेट के लिए है वो 5000 रखी गई है, 2 किस्तों में जमा होगी 2500 रुपये करके, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मैं Unit 1 से लेकर Unit 10 तक के पूरे कंटेंट एक सीक्वेंस बाय ये क्रम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ वीडियो का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। एम्स में भी वीडियो का लिंक रहेगा और हर एक यूनिट के बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा, फिर PrevIQ यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर 2022 तक के, ये पेपर एम्स मेडिकल वर्ष जो मेडिकल सोशल वर्क के हैं उन स्टूडेंट को भी तैयार करवाया जाएगा और साथ ही साथ जो UGC के बच्चे हैं उनके लिए भी ये पेपर रहेंगे, सॉल्व करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यही नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण आज प्रश्न हैं जीन पियाजे और सिगमंड फ्रायड से संबंधित, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षा में अभी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन किया गया है। सिगमंड फ्रायड एक फेमस विद्वान है, जीन पियाजे भी फेमस पर्सन है, इन दोनों के बारे में हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, नोट्स आपको हैंड रिटन भी मिलेंगे, टाइपिंग वाले भी नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी में क्वेश्चंस लिए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वस्तु अस्थायित्व का जो गुण पाया जाता है, ऑप्शन 4 रहेंगे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसको 0 से लेकर 2 वर्ष कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु 2 से लेकर 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से लेकर 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को लेकर 11+ कहा जाता है, इसी को जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। तो जो वस्तु अस्थायित्व होता है वो ऑप्शन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सही अनुपात का अंतर ना कर पाना और सही चित्र नहीं बना पाना किस अवस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सही अनुपात का अंतर ना कर पाना और चित्र ना बना पाना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों से 2 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है, यही ऑप्शन सही रहेगा। मिलान सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही नहीं है, मैचअप सही नहीं है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जनित जो है संवेदी जनित अवस्था बोलते थे, जन्म से लेकर 2 वर्ष, ठीक है। प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व जो संक्रात्मक अवस्था है ये भी आपका सही रहेगा, ठीक है। और कंक्रीट का यहाँ पे देखिए, कंक्रीट बेसिकली मूर्त अवस्था को बताता है, बिल्कुल सही है, ये 7 से 11 है ना कि 8 से 11 है, ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मल ऑपरेशन इसका ये सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पलटावी
ज्ञान बेसिकली होता है, पलटावी ज्ञान। तो पलटावी का गुण पाया जाता है, बहुत ही फेमस सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, 7 से 11, सॉरी 7 से, हाँ यहाँ पे 7 से 11 है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में भी 7 से 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कि पूर्व संकलात्मक काल का समय क्या होता है, बेसिकली 2 से 4 वर्ष होता है, नोट कर लीजिए। जो पूर्व जो संकलात्मक अवस्था काल होता है वो 0-2 से लेकर 4 वर्ष का होता है। अब ऑप्शन में देखिए 2 से लेकर 4 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका 5वें का ए वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो होगा वो बेसिकली मूर्त चिंतन होता है, ठीक है, देख कर ही चीज़ों को चिंतित करते हैं या चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। समस्या समाधान और कार्य का कारण किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, समस्या समाधान बेसिकली इसी में आती है, ठीक है, तार्किक है ये। क्वेश्चन नंबर 8 अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है तो वो 8 ही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, बहुत ही फेमस पर्सन है, आप लोग जानते होंगे, सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 मनोलैंगिक विकास की अवस्था होती है, मनोलैंगिक विकास की अवस्था कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसका सही जवाब 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपके सॉरी 5 अवस्था, कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ देना, देखिए कोई प्रचलित योजना है उसमें नई जानकारी को आप इंक्लूड कर देते हैं तो इसका सही जवाब क्या बन जाता है, आत्मसातीकरण बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, स्वयं को प्रेम करने की प्रवृत्ति, बेसिकली आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक ना, तो वो नार्सिसिज्म होता है, ठीक है, शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों में पाया जाता है नार्सिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सी स्टेज में पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे पाई जा रही है, हालांकि बता दूँ आपको लैंगिक अवस्था में पाई जाती है ये, ठीक है, याद रखिएगा, तो गर्ल में पाई जाती है कि बॉय में कि बोथ में कि किसी में नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉय में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत निम्न अवस्था से नहीं है, अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, ठीक है, तो देखो मुखावस्था तो है, गुदावस्था भी, सुप्तावस्था भी, जननेंद्रिय अवस्था, यहाँ पे पूछा गया है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की निम्न अवस्था नहीं है, है ना, निम्न अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 सुसुप्तावस्था सुप्तावस्था यहाँ पे कहा जा रहा है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की निम्न अवस्था नहीं है, सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं यहाँ पे तो, है ना, चलो यहाँ पे सुसुप्तावस्था भी पाई जाती है ना, तो ये सारी अवस्थाएं हैं, ऑल ऑफ द अबव करना चाहिए था इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुसुप्तावस्था को ही बोला जाता है, अव्यक्तावस्था भी कहा जाता है ना, यही लेटेंसी स्टेज है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मुखावस्था, गुदावस्था, ठीक है, लैंगिक प्रधानतावस्था और अव्यक्तावस्था और जननेन्द्रियावस्था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि विषमलिंगी प्रेम आकर्षण वाली अवस्था कौन सी होती है, विषमलिंगी, तो बहुत ही सही जवाब इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जननेन्द्रिय अवस्था होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क दोनों में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना, तो आपको मालूम है मैंने भी बताया है मेडिकल सोशल वर्क ऑफिसर की जो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर भी, अगर आप UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लास का जो समय है 8 to 9 है और एम्स की क्लास का जो समय है वो 6:30 to 7:30 है, 7:30 है, तो ये बच्चे एम्स वाले इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक आपका इससे मैच करेगा मैं यहाँ पर आप लोगों को लिंक देता रहूँगा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को भी, ठीक है, तो आपकी 2 क्लास हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टडी करिए अभी से, तभी आपका एम्स का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो पाएगा। और यदि आप JRF और नेट क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए सोशल वर्क की पढ़ाई करने में, है ना, तो डेली आप सोशल वर्क के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट जाने, कुछ जानकारियों के बारे में पढ़ें,
तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो जब परीक्षा आने वाली है तो 1 मंथ के पहले अगर आप तैयारी करें तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, है ना। अभी से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।